मौलवी साहब हैं यहाँ पर, वैसे एक मौलवी साहब हैं जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं काफी अरसे से। गलती से मैंने उनसे बात कर ली थी, ओफो पीछा नहीं छोड़ते अब मेरा। एक माली कौन कितने मौलवियों को देखेगी, एक हूं मैं, एक जान भी है। मौलवियों में ताकत बड़ी होती है, मुफ्ती काली को ही देख लीजिए आप। तारिक जमील को नहीं देखा आपने? तारिक जमील की फ्लेक्सिबिलिटी चेक कीजिए आप, तारिक जमील की फ्लेक्सिबिलिटी उन्होंने दिखाई थी। अब मैं सिर्फ आपको ही करके दिखा रही हूँ, मुझसे होता नहीं, क्योंकि तारिक जमील जी ना मुझसे भी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। वो खड़े होके, सीधे खड़े होकर, मैं तो खड़ा नहीं हो सकती ना, नहीं मैं खड़ा होके दिखा दूं, नहीं तो फिर आपको मेरा पिछवाड़ा दिख जाएगा। वो हराम है, पिछवाड़ा तो दिख नहीं सकता, अभी मैंने झब्बा पहना हुआ नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं ना इसको अपने अपने पिछवाड़े को जो है ना वो मैं कवर कर लेती हूँ, ताकि आप लोगों को कोई ऐसी टाइट चीज ना दिखे, कोई टाइट चीज ना दिखे। आजकल वैसे भी टाइट कपड़ों पे ना पाकिस्तान ने पाबंदी लगा दी है, कोई भी टाइट टाइट चीज ना दिखे, ताकि इन लोगों का खड़ा ना हो। तो तारिक जमील जी ने क्या करा कि उन्होंने अपनी, सॉरी मेरे शक्ल नहीं दिख रही, अच्छा है। तो तारिक जमील की फिटनेस ऐसी है जितनी तो मेरी नहीं है। उन्होंने अपनी टांग उठा के, तो वो यूं यूं, तो वो पूरा उन्होंने अपनी टांग उठा के यूं सीधी कर ली थी ऊपर, मेरी तो यही तक उठती है। अब हमें ये बताइए, तारिक जमील जी आपने ये कैसे टैलेंट कैसे आया, इतनी टांगे आप कैसे उठा सकते हैं, इतनी बड़ी टांग कैसे उठा लेते हो भाई, मेरे को भी दिखाओ। मैंने तो सोचा था टांगे उठाना सिर्फ औरतों का काम होता है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे। अस्तगफुरुल्लाह, मालिक शरीफ हो गई हो तो आप देख सकते हैं मालिक। तो मगर तारिक जमील जी की फिटनेस पे अल्लाह मियाँ उनको 100 साल की जिंदगी दे। सीरियसली उनकी फिटनेस देखकर तो मुझे शर्म आ गई थी कि मेरी नहीं है इतनी फिटनेस जी। तो हमारे मौलवियों की फिटनेस पे आप जो है ना बात नहीं कीजिएगा, बड़े फिट 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 शिट रहते हैं, फिट फिट शिट नहीं। अच्छा जी,